फिर शिकायतें आ रही हैं और लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे किस तरह से लोग इससे बचे? ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए किसी भी अननोन सोर्स से जो लिंक आता है या कोई प्राइज मनी विन किया है करके कोई सूचना आता है या कोई आपको बैंक वाला बन के OTP मांगता है, तो इस तरह का जो चीज़ों से बचना चाहिए और किसी प्रकार का OTP या अपना पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। और जो अननोन सोर्स से लिंक जो आप दबा के फिर उसमें आपका पर्सनल डाटा जो भरने के लिए कहते हैं, तो ये जो चीज़ें करने से पहले सोचना चाहिए, दो तीन सोच के। अगर आप बिल्कुल 100% कंफर्म है वो नॉन सोर्स है और आपका जो जो सोर्स है बहुत ही विश्वसनीय सोर्स से आया है, तो तभी आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो इन चीज़ों को वेरीफाई करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम लोग ऑनलाइन फ्रॉड से बच सके। और किसी प्रकार का OTP या किसी प्रकार का पासवर्ड बैंक्स वगैरह नहीं मांगते हैं, तो इसको किसी के साथ शेयर करना वगैरह अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ ATM जहाँ यूज़ करने के लिए जाते हैं तो वहाँ आसपास कौन खड़ा है, आपका पासवर्ड तो नहीं देख रहा है, या आप उनके हाथ में ATM वगैरह नहीं देना चाहिए, तो इन चीज़ों से हम लोग इस तरह का फ्रॉड से बच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।